फातिमा कहाँ अकेली बैठी हुई हो? मैं कही थी आ जाओ, बोर हो रही हूँ मैं, बातें कर लें। मैंने क्या सोच रही हो? मैं बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात सोच रही हूँ। ये जो जहाँ हम कश्मीर पॉइंट गए थे, वहाँ जो नवाज शरीफ का घर है। कौन सा घर है भाई? कश्मीर पॉइंट पे नवाज शरीफ का घर नहीं है, जहाँ वो शेर लगे हैं और ग्रीन कलर का गेट है? हाँ हाँ हाँ, है घर। हाँ, तो वो खाली पड़ा होगा। खाली पड़ा होगा? मुझे क्या पता फातिमा, खाली ही पड़ा होगा। नहीं नहीं, वैसे कंफर्म कर रही हूँ कि खाली पड़ा होगा। खाली होगा बेटे, और कौन रह रहा है वहाँ? मुझे इसलिए लग रहा है कि वो खाली होगा क्योंकि नवाज शरीफ तो बैठे हैं साहब लंदन, और शहबाज शरीफ बेचारा यहाँ जेलों के चक्कर काट रहा है, तो खाली होगा। तो तुमने क्या करना है, खाली हो या कोई रह रहा हो? तो अगर वो मुझे भेज दे तो बेच दे। तुम्हें क्यों दे दे, किस खुशी में दे दे? तुमने आज तक कभी नवाज शरीफ को सपोर्ट भी किया है? जब से तुमने वीडियोस बनानी शुरू की है, नवाज शरीफ के पीछे ही पड़ गई हो। क्यों दे वो तुम्हें? बिल्कुल तुम्हें नहीं देना चाहिए। मामा, लेकिन अगर वो मुझे दे दे तो? हाँ, ये अलग बात है। अगर वो नवाज शरीफ तुम्हें अपना मरी वाला घर दे दे तो क्या तुम उसकी सपोर्टर बन जाओगी? मामा, मैं क्रांतिकारी हूँ। क्या हो? क्रांतिकारी हूँ। ऐसे 100 घर पाकिस्तान पे कुर्बान, मैं पाकिस्तान ना बेचूं ऐसे 100 एक घर के लिए। ओहो, पाकिस्तान ना बेचूं तो अपने इमरान खान से जाके उसका कहाँ है उसका बनी गाला ले लो। बनी गाला भी छोड़ो, वो जो अयूबिया में जो गवर्नर हाउस है जहाँ हाँ गए थे हम जी, जिसपे ताले लगाए हुए हैं, वो किसके लिए है? वो भी अवाम के लिए खोले ना। वो तुम्हें दे दे, उनसे मांगो जिन्हें तुम वोट देती हो। नवाज शरीफ तो तुम पीछे ही पड़ गई हो बेचारे के। मामा, वैसे एक सही बात है, तुम बचपन से मुझे ऐसा ही लगता है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, मेरी नजरें नवाज शरीफ पे टिकी हुई। उससे हटा लो ना नजरें, अब तो और बहुत से लोग हैं जिन पे नजरें जमाने का वक्त है। वो तो बेचारा बीमार आदमी बाहर है, उसकी तो दुश्मनी छोड़ दो भाई। उसका घर बंद पड़ा है तो इसको चाहिए, और भी बड़ी बड़ी चीजें बंद पड़ी हैं। आप ना नवाज शरीफ का नाम नवाज शरीफ से हटा के बेचारा रख दें, आप तो उसको बेचारा ही कहती रहती हैं हर वक्त। नहीं तो तुम हर वक्त उसकी दुश्मनी क्यों पकड़े रहती हो? इमरान खान को पूछो, किसी और को पूछो, शेख रशीद को पूछो। वो तुम्हारा कौन है, वो कौन जिसको मुझे नाम ही भूल गया, पता नहीं क्या नाम है उसका, पता नहीं कौन भाई, पता नहीं मुझे नाम भूल गया। शफकत महमूद। हाँ, शफकत महमूद तो तुम्हारा लाडला है, उसको तो तुमने कभी नजर ही नहीं की। जहांगीर तरीन के इश्यूज पे कभी तुम बोली ही नहीं, क्या जिप अप। सिर्फ बेचारे नवाज शरीफ के पीछे पड़ी रहो। क्यों दे वो तुम्हें घर? बिल्कुल तुम्हें घर नहीं देना चाहिए। हाँ, सड़ गई अब खबर ना, जो आइंदा नवाज शरीफ को कुछ काम है, आइंदा से नवाज शरीफ को ही वोट देना है। मुझे महंगाई से तंग आ गई हूँ, बस आ गई समझ। आंखें अपनी अंदर करो, नवाज शरीफ तुम्हें क्यों घर दे? तो नवाज शरीफ देना ही है तो चीजें सस्ती कर देगा। देना ही है तो मुझे दे, मैं तो उसे ही सपोर्ट कर रही हूँ ना। आई समझ?